राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक कन्या पाठशाला जोगिंद्रनगर में आज 14 वर्ष से कम आयु पर की छात्राओं की खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला परिषद सदस्य विजय भाटिया ने की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि खेलों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। खेलों में हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तथा हमारी नींव मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि खेलकूद प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा को प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है, वहीं अनुशासन तथा नेतृत्व की भावना पैदा होती है। भाटिया ने छात्रों से खेलों को खेल भावना से खेलने का आह्वान किया। इससे पहले पाठशाला के प्रधानाचार्य डॉक्टर सुनील शर्मा ने मुख्य अतिथि का भव्य स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस खेलकूद प्रतियोगिता में 21 पाठशालाओं की 314 छात्रा खिलाड़ी भाग ले रही है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों से आह्वान किया कि वह लक्ष्य को निर्धारित कर खेलों को खेल भावना से खेलें। इस अवसर पर स्थानीय पाठशाला की छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। जी सर, नमस्कार। आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या पाठशाला में छात्रा वर्ग के अंडर 14 के आज खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जिससे मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं धन्यवाद करता हूँ यहाँ के सभी प्रबंधक कमेटी के सदस्यों का और स्थानीय पाठशाला के प्रधानाचार्य श्री सुनील ठाकुर जी का। और मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि आप खेल की भावना से इस खेल को खेलें और इनके उज्जवल भविष्य के लिए मैं इनको अपनी ओर से ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपका फैसला के लिए जोगिंद्रनगर से कैलाश की रिपोर्ट।